नरवर की शहरी आशा कार्यकर्ताओं को काम करने से न रोकने एवं पल्स पोलियो में समस्त शहरी आशा कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाए जाने की मांग। समस्त शहरी आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि नरवर की शहरी आशा कार्यकर्ता हैं जिनकी संख्या 18 है। हम आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति वर्ष 2015 में BMO नरवर द्वारा नगर पंचायत की अनुशंसा से की जाकर लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। हम आशा कार्यकर्ताओं ने जिला स्तरीय प्रशिक्षण भी प्राप्त किया जा चुका है। हमारे द्वारा कोरोना जैसी महामारी में अपनी जान की परवाह न करते हुए पूर्ण निष्ठा से स्वास्थ्य विभाग एवं जनता की सेवा की गई तथा वर्तमान में भी हमारे द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने एवं शासन के स्वास्थ्य संबंध अन्य सभी योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही थी। लोकसभा निर्वाचन की आचार संहिता के मध्य में नरवर PMO द्वारा दिनांक 28 मार्च को पत्र जारी कर हम सभी शहरी आशा कार्यकर्ताओं को सामूहिक रूप से कार्य करने से रोक दिया गया है तथा शासन द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि भी नहीं दी जा रही है। हमारे द्वारा वार्डों में कार्य न किए जाने से समस्त नरवर शहर में आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, ना ही टीकाकरण हो पा रहा है। साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक नहीं पहुँच पा रहा है। हम सभी आशा कार्यकर्ता गरीब परिवार से संबंधित है तथा हमारा परिवार शासन द्वारा प्राप्त होने वाली प्रोत्साहन राशि पर ही निर्भर है। अगर हम आशा कार्यकर्ताओं को शासन द्वारा प्राप्त होने वाली राशि प्राप्त नहीं होती है तथा हम आशा कार्यकर्ताओं को भविष्य में कार्य नहीं करने दिया जाता है तो हमारा परिवार भूखे मरने की कगार पर आ जाएगा। समस्त नरवर शहरी आशा कार्यकर्ताओं को पुनः कार्य करने की अनुमति देने एवं पल्स पोलियो अभियान में ड्यूटी लगाए जाने हेतु वरिष्ठ खंड चिकित्सा अधिकारी नरवर को आदेशित किए जाने की मांग की है। नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला कुशवाहा है, नरवर से। आई कलेक्ट्रेट पे आई हैं आप सब लोग, क्या समस्या लेके आई हैं? हम आशा कार्यकर्ताओं को आदेश दिया गया था कि आप काम बंद कर दें, तो हमने कहा हम क्यों काम बंद कर दे, तो अभी तक हमने कहा अच्छा सुनता, हम कोई सुनवाई नहीं होती। नहीं तो किसने आदेश दिया था कि आप काम बंद? BMO साहब ने आदेश प्राप्त कराया। कहाँ पे, कहाँ के BMO जी? नरवर के। क्या नाम है उनका? LD शर्मा जी ने किस कारण से ऐसा किया? उन्होंने कहा आपकी ये नियुक्ति है वो फर्जी तरीके से हुई है। कितने लोग थे आप? हम 18 आशा कार्यकर्ता। 18 आशा कार्यकर्ताओं को BMO ने फर्जी बता दिया? उन्होंने कहा वहाँ जिले में जांच चल रही है, आपकी जांच के दौरान आपको आदेश दिया जाएगा क्या काम बंद करना है, चालू करना है या नहीं। तो हमने कहा 10 दिन 20 दिन 3 महीने हो चुके हैं हमको, अभी तक कोई आदेश नहीं। CMO से सामने बुलाया और पूरे दिन बैठे रहे हम उनके पास, लेकिन 4 बजे तक भी वो नहीं आए। आप लोगों ने कितने साल तक काम किया? हम 10 साल से काम कर रहे हैं। 10 साल बाद एकदम BMO ने कह दिया कि आप लोगों की नियुक्ति फर्जी है। आचार संहिता में ही हमको आदेश दे दिया कि काम बंद कर दिया जाए। तो अब क्या समस्या आ रही है आपको? अब हमको काम पे वापस आना है क्योंकि हम अपने बच्चों को कहाँ से पाले। अच्छा, आपके किसी ने 10 साल और किसी ने 18 साल तक नौकरी की है, उसके बाद इनको आपको हटाने का आदेश दिया BMO ने? आप काम बंद कर दो, अभी हटाने का नहीं बोला, आप काम बंद कर दो। लेकिन फिर हमारे 3 महीने हो गए, अभी तक कोई जाँच ही नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई? अभी यहाँ कलेक्ट्रेट में आई थी, क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा आपका निराकरण किया जाएगा, अगर यहाँ से नहीं होता है तो फिर हम भोपाल जाएंगे, भोपाल से नहीं होगा तो हम कोर्ट तक जाएंगे। धरना